तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और आज के वाले मैच में अपन आए थे स्टेडियम के अंदर खेल रहे थे, मतलब दिवांशु के साथ नहीं खेल रहे थे, आज अपन खेल रहे थे स्ट्रेंजर के साथ। और ये अपने पता नहीं कौन सी आईडी से खेल रहा है, लेकिन आए थे हम स्टेडियम, बंदे दिख चुके थे मेरे को। तो भाई मैं तो फटाफट से पहले भागता हूँ स्विमिंग पूल के अंदर, क्योंकि मेरे को चाहिए थी एक वेपन, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही मतलब निहत्ते मेन बिल्डिंग में घूमता तो शायद से जिंदा ना बच पाता। इसलिए मैं मतलब इधर आके एक अच्छी गन खोजता हूँ और उसके बाद पुश करूँगा मैं, मतलब जैसे ही उन बंदे की फाइट आपस में स्टार्ट होगी या फिर वो लूट उठ के बैठ जाएंगे तब एक प्रॉपर फाइट भी होगी उनसे। तो मैं सीधा घुस जाता हूँ जैसे ही मेरे को गन मिलती है। और पहला बंदा मेरे को मतलब दिखता तो नहीं है, लेकिन फुटस्टेप मेरे को आ चुके थे ऊपर से। अब ये देखने के बाद शायद से आप सभी लोगों को समझ में आ गया कि भी जो साउंड अभी मतलब दोनों गन साउंड्स आए और उसके बाद कोई साउंड आया ही नहीं, ये सभी जुगाड़ से मतलब बनाया गया है। देखो इस मैच में होता क्या है कि जब ये गेम में खेल रहा था स्ट्रेंजर के साथ, और मतलब इसके साथ मैंने मतलब जिस समय मैं ये गेम खेल रहा था, पता नहीं क्या होता कि भाई जितने मैचेस मैंने खेले भाई किसी भी मैच में गेम साउंड जो है भाई रिकॉर्ड हुआ ही, तो मेरे को तो कुछ ना कुछ करना ही था जुगाड़ करके। तो भाई लोग, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का गेमिंग स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बताने वाला हूँ। एक रिकॉर्डर से आपको चाहिए क्या, मतलब गेम लैग ना करे, रिकॉर्डिंग अच्छी बने और मतलब इंटरनल ऑडियो भी कैप्चर हो। ये रिकॉर्डर आपके 1GB 2GB वाले डिवाइस में भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा और हाई लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। स्क्रीन रिकॉर्डर का नाम है क्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर, जिसे आप इजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें दो रिकॉर्डिंग मोड है, रीप्ले मोड और स्टैंडर्ड मोड। दोनों में 60fps रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। रीप्ले मोड में आप सिर्फ 15 या फिर 60 सेकंड की क्लिप्स बना सकते हो ताकि पूरा गेम प्ले रिकॉर्ड करने की जरूरत ही ना पड़े। और स्टैंडर्ड मोड तो आप सभी जानते ही हो। और एक खास बात, इसका सबसे अच्छा फीचर तो इस ऐप का क्लाउड स्टोरेज है, जिसमें आप अपनी क्लिप को रिकॉर्ड करके क्लाउड में सेव कर सकते हो, मतलब कि अब नो स्टोरेज टेंशन। तो देर किस बात की यार, अभी जाओ क्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि मेरे को आप लोगों को ये वाला मैच दिखाना था जिसमें भाई जो मैंने डीपी चलाई है ना, मतलब सच बता रहा हूँ मैंने अब तक किसी भी वीडियो में इस तरीके से डीपी नहीं चलाई होगी जिसमें मतलब जिस तरीके से मैंने आज इस वाले मैच में चलाई है। मतलब आज आपको कुल मिलाकर प्रॉपर एक डीपी की वीडियो देखने को मिलेगी, मतलब जिसमें मैंने केवल और केवल डीपी का ही प्रदर्शन किया है। फिलहाल मेरे को एक और बंदा दिखता है जो कि सामने की तरफ, अब ये बंदा उधर पहुंच के किसी बॉट को मार के गनवन ले रहा था उससे, लेकिन तब तक मैंने उसको देख लिया। मैं उस बंदे को इजीली निपटा देता हूँ। और उसके साथ साथ एक और बॉट था उधर, तो उसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ मैं। लेकिन जैसे मेरी डीपी रिलोड पे जाती है, रिलोड होती है, ये भाई साहब भी सेम काम करने गए थे उधर, मतलब बॉट वॉट को मार के गनवन लेके आ रहा था बंदा, लेकिन इस काम में सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन इसको भी इजीली स्पॉट करके नॉक कर देते हैं और मेरे को बस ये था किल। तो भाई यहाँ पर मेरे को डर था कि भी कहीं कोई चोरी वोरी ना कर ले इसको, तो मैं सीधा सबसे पहले इसको फिनिश करने के लिए जाता हूँ। और इसको फिनिश करने के बाद मेरे को लगा था कि भी सब खत्म हो गए, लेकिन तभी ये भाई साहब दिखते मेरे को। अब जैसे मैं इसको मारने का ट्रैकर, तो ये बंदा तो बच कर निकल जाता, लेकिन अचानक से ये बंदा सामने आके लेट जाता है। तो वो बंदा तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, तो उसको नॉक ऑफ फिनिश जैसे ही करते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो बंदा देखो भाई साहब फुल तेजी में स्की करके निकल रहा था, लेकिन भाई पता नहीं कैसे डीपी का एक हेडशॉट लग जाता है उसको एंड में, और वो बंदा भाई स्की पर से ही गिर जाता है। तो इसके लिए आप लोग एक लाइक तो कर सकते हो। अब मुझे लगा कि भाई चलो मतलब ये बंदा भी नॉक हुआ है, तो भाई इसके भी कुछ टीममेट्स और होंगे, मतलब एक दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पर और भी बंदे निपटा चुका था। लेकिन जैसे मैं डराता हूँ, मतलब बस देखते जाओ। अब क्योंकि ये भी अजीब नॉक ही हुए थे, तो भाई इनको भी फिनिश करते हैं। और उसके बाद फिर से तलाश थी भाई इसके टीममेट्स की, जो कि भाई यहीं कहीं आसपास ही होंगे। तो मैं उस बंदे को मतलब स्पॉट करने का ट्राई करने लगता हूं, लेकिन अचानक से वो बंदा ही फायर करके अपनी लोकेशन बता देता है।
अब सच बताओ तो देखो, मतलब माफ़ करना मुझे कि भाई गेम साउंड पहली बात तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, और दूसरी बात ये कि भाई देखो, मतलब मैंने जैसे भी आप लोगों के लिए करके मतलब डीपी का साउंड या फिर दूसरी गन्स का साउंड लगाया है, वो मैंने मैनेज करके जुगाड़ करके कैसे भी लगाया है आप लोगों के लिए, ताकि अब ज़्यादा बोर और ना हो, आपको थोड़ा समझ आए तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना यार, मतलब डीपी का साउंड अगर इधर उधर आ रहा हो। फिलहाल जिस बंदे को मैंने अभी मारा ना छत के ऊपर, मतलब अपार्टमेंट में, वो बंदा भी नॉक ही हुआ था, जिसको फिनिश तो हमने कर दिया था, लेकिन उसके बाद हम इधर ही आ रहे थे ताकि इसके टीममेट्स हमें मिल जाए, और क्योंकि ये बना तो इधर ही था, तो जाहिर सी बात है कि इसके टीममेट्स भी यहीं कहीं आसपास ही होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम जैसे ही धीरे धीरे क्लोज इन कर रहे थे, हमें ओपन में स्पॉट करके स्टेडियम से कुछ शॉट्स पड़ते हैं, तो भाई वापस हमें स्टेडियम की तरफ ही बढ़ना था, लेकिन अचानक से ही भाई ये भैया जी पता नहीं कहाँ से बग्गी लेकर आए थे, और भाई साहब बग्गी इसकी कर जाती है स्लिप, जिसका फायदा मुझे मिलता है, मतलब मैं इस बंदे को इजीली उठा देता हूँ। और इस वाले सीन के बाद देखो, अगर साउंड होता तो सच बता रहा, ये जो वीडियो बनते हैं ना, मतलब आपको सच्ची में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अफसोस साउंड तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप लोग को अभी तक मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ नीचे जाओ, आपको सब्सक्राइब का एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके ब्लैक कर दो, मतलब एक बात मान लो मेरी छोटी सी, और लाइक करना मैं टोटली आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा, आपको लाइक करना है करो, वरना फिर छोड़ दो, मतलब लेकिन सब्सक्राइब करे बिना जाना मत बिल्कुल भी। अब जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले स्कोर कनेक्ट आया, मुझे लगा कि भाई अब चलो जाकर, मतलब ये जो एरिया है पूरा पूरा क्लियर हो चुका है, यहाँ पर कोई नहीं बचा, लेकिन अचानक से ही मेरे को दो बंदे और दिखते हैं, जिनमें से एक बंदे को तो मैं फिर से नॉक कर देता हूँ, फिनिश भी कर देते हैं उसको, लेकिन उसका जो टीममेट था वो मतलब स्टेडियम के अंदर घुस चुका था। मुझे लगा मैं ऊपर में जाऊँगा तो बंदा छत के ऊपर से मारने का ट्राई करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, तो इन दोनों बॉट्स को तो मैंने निपटा दिया था, लेकिन जैसा मैंने सोचा था कि भाई वो बंदा आके मुझे मारेगा छत के ऊपर से, वैसा तो हुआ नहीं, तो भाई अब मेरे को ही पुश करके निपटाना था इस बंदे को। अब ये बंदा, मुझे लगा था कि भाई ये बंदा फॉल बैक कर जाएगा, मतलब बच बच के निकल जाएगा इधर से, लेकिन ये बंदा थोड़ा सा निडर होता है, मतलब बॉट्स मार रहे हैं छत के ऊपर से। अब तभी वाली बग्गी इधर से निकलती है, जिसको हम मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन बंदा निकल जाता है। फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं, वापस से आते हैं इसी बंदे के ऊपर जो कि मिनी बिल्डिंग के अंदर अभी तक मतलब शायद से बैठा हुआ है। मैं उस बंदे को खोजने के लिए जाता हूँ छत के ऊपर, लेकिन बंदा मेरे को दिखता नहीं, लेकिन अचानक से ही ये बग्घी वाला दिख जाता है, जो कि भाई इधर ही पहले तो रुक जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से स्पीड पकड़ के मतलब आगे फिर से कोने में जाकर रुक जाता है। अब नेड थोड़ा सा परफेक्ट जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा और मैं राइट फेंकता तो शायद से उस बंदे की पेटी वहीं पर बन जाती, लेकिन कोई बात नहीं, बंदा डैमेज था, अब मैं घुस सकता था। अब कुल मिलाकर ये बंदा तो गया और डायरेक्ट गया, तो भाई कोई डर भी नहीं था, लेकिन मैं वापस आता हूँ उसी बंदे के ऊपर जो कि भाई मेन बिल्डिंग के अंदर पहले था। अब कहाँ है भाई पता नहीं, क्योंकि मेरे को तो अभी कोई दिख नहीं आता, लेकिन डर अभी भी था, तो मैं थोड़ा बहुत कवर में आता हूँ और थोड़ी देर वेट करते हैं, रेड जोन वगैरह खत्म होने देते हैं, और उसके बाद शांति से निकलते हैं हम गाड़ी वाड़ी में बैठ के। लेकिन जैसे हम मतलब स्टेडियम से थोड़ा बहुत आगे आते हैं, हमें अचानक से किसी बंदे की झलक दिखती है, जो कि जस्ट इस रेड वाले हाउस में घुसा था, और मेरे को समझ में आ जाता है कि भाई वही बंदा है जो कि भाई फॉल बैक करके इधर आ चुका है, क्योंकि इसके ड्रेस देख लो। अब जब भी भाई किसी घर में बंदा हो और बंदा फर्स्ट फ्लोर से हो और हमको सीढ़ी से ऊपर जाना हो, तब बता रहा हूँ मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं अंदर मतलब डरता तो नहीं हूँ घुसने से, लेकिन मैं घुसने के बाद जो मेरा एम वेम इधर उधर जो मतलब मशक्कत करनी पड़ती है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर सेम उस बंदे को मैं मार तो देता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत अजीब लगता है, मतलब जिस तरीके से मैंने उस बंदे को मारा। फिलहाल देखो ज़्यादा बंदे बचे नहीं थे, केवल और केवल दो ही बंदे थे, तो मैं यहाँ पर मस्त ड्रॉप वगैरह लूट लेता हूँ, ताकि मतलब थोड़ा सा मज़ा वज़ा आ जाए उन बंदों को निपटाने में, लेकिन ज़्यादा आरपीजी वगैरह मेरे को कुछ मिलती नहीं था कि मज़े ले सके। फिलहाल बंदा देखता है जो कि एक बॉट ही होता है, तो इसको यहाँ पर मैं मज़े लेकर मारा था, ताकि गन साउंड सुन के कोई जो मतलब लास्ट का बंदा बचा हो वो अट्रैक्ट हो, लेकिन अभी भी पता नहीं था कि अभी ये बंदा डायरेक्ट जाएगा मतलब ये बॉट या फिर नॉक होगा।
लेकिन लास्ट में मतलब थोड़ी देर बाद, ताकि किल विल चोरी ना हो जाए, मैं इस बंदे को निपटा देता हूँ। और क्योंकि ये बंदा डायरेक्ट जाता है तो भाई थोड़े बहुत चांसेस थे कि भाई जो लास्ट का बंदा है वो रील निकल जाए। तो मैं कोसते कोसते भाई इधर आता हूँ और फाइनली फुटस्टेप आ जाते हैं और ये बंदा भाई पहले से ही नेट वेट कुक करके बैठा हुआ था। फिलहाल जैसे बंदा नेट फेंकता है भाई हम दोनों फटाफट से कवर में आ जाते हैं और उसके जस्ट बाद ये बंदा ने एक और नेट कर दिया सीढ़ों पर। अब इससे पहले कि ये बंदा कोई और नेट फेंकता भाई, मैं जैसे ही वाला नेट फटता है घुस जाता हूँ सीधा। और इसी के साथ मैं चिकन डिनर। तो गाइस सीधा इसकी गेम प्ले वीडियो में कैसे लगी, वीडियो कमेंट के करो बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो कर लेना अपने भाई को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, क्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।